हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक नई डिज़ाइन का तोरण पट्टी कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे 3 कलर से बनाया गया है और यह कुछ इस तरह से इस टाइप का लग रहा है। ये देखिए, यह इस तरह से जितनी लंबाई चाहिए मुझे मैंने उतने लंबाई का बना रखा है। इसे कैसे बनाया गया है आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 कलर का यूज़ किया है, क्रीम, ग्रीन और फिर ऑरेंज। स्टार्टिंग में ऑरेंज से करने वाली हूँ और इस पर 7 नंबर की क्रोशिया का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस पर एक नोट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से नोट लग गया। ऐसे इसे एक काउंट करना है। नोट लगने के बाद 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 4 चैन का बनाया है और इस पर इसे राउंड का शेप देना है। इसके लिए ये लास्ट हुक पे डालकर इसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसे हमें कुछ दूरी तक, ये देखिए यहाँ तक हमें क्रोशिया से खींच लेने हैं धागे को और फिर अगेन जो है इसी हॉल पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम। यहाँ पे हमने 6 टाइम लिया है और यह हमारा जो उल है यह 2-ply उल है। यदि आप 4-ply उल का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आप 4 टाइम भी रख सकते हैं, क्योंकि यह धागे 4-ply ज़्यादा मोटे होंगे जिस वजह से 4 टाइम में ही ये बल्ब जो है अच्छा बनेगा। अब इसे क्या करने हैं ना, इस तरह से सारे धागे को निकाल लेने हैं। तो यह बल्ब हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ देखेंगे, ये बल्ब तैयार होने के बाद अब इस पर हमें चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमने इस पर चैन बना लिया। अब इस 8 चैन को यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें ध्यान से देखने हैं क्योंकि 2 बार हमें इस तरह का बनाना है जो अलग अलग बनाना है। ये देखिए, इसे सेंटर पे, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे हमने क्रोशिया को डाला और इसे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब ये बंद करने के बाद हमें एक नोट लगाने हैं और फिर अगेन जो है ना, इस साइज़ के हमें क्रोशिया पे धागे को निकालने हैं। अगेन धागे को लपेटेंगे इसके ऊपर और फिर इसी हॉल पे, इस हॉल से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम में लिया था, यानी कि 6 टाइम हमें लेने हैं, 5 टाइम एंड 6 टाइम। अब इस वो बल्ब का रूप देना है। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से तैयार होएगा। अब नेक्स्ट इस पर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमने चैन बनाया। अब जैसा कि इस पे, यानी कि फर्स्ट रो पे हमने इस तरह से, यानी कि राइट साइड पे ये लूप बनाया था, अब हमें लेफ्ट साइड की तरफ मुंह रहेगा और लूप हमारा इस तरह से तैयार होगा। जैसा कि मैं ज़रा सा यहाँ इस तरह से बताना चाहूँगी, इसे हमें इस तरह से छोड़ देने हैं और ये जो है ना, ये जो नोट है, इस नोट के जस्ट इधर से, अपोजिट साइड से, यहाँ देखेंगे ये अपोजिट साइड से लेंगे और इस हुक को क्रोशिया में लगाते हुए हमें इस तरह से स्लिप करना है और फिर अगेन जो है इसे नोट बनाने हैं। तो यहाँ देखेंगे, एक हमारा यह राइट साइड का लूप तैयार होगा और दूसरे तरफ लेफ्ट साइड का, यानी कि यह लूप जो है ना अल्टरनेट बनेगा। अगेन जो है यहाँ पे धागे को खींचेंगे और फिर इसके मेन हुक पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लूप का बाइंडिंग को, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम
4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम कंप्लीट हो गया। अब इस बल्ब को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अगेन इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें यह लूप जो है राइट साइड बनाना है, यानी कि इस तरफ। तो ये बिल्कुल आसान है। इस पे हमें धागे को क्रोशिया से निकाल लेनी है, जस्ट इसके सेंटर पे यूं डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ देख सकते हैं राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से करते हुए हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतने तक बना लेने हैं। तो मैं वहाँ तक बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं बताती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने इसे तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद यहाँ पे एड चैन लेके इसके टिप पे ही हमने साइड में नहीं किया, इसे टिप पे बाइंड करके इसे कट कर लिया है। अब मैं इस पर सेकेंड कलर लगाने वाली हूँ। सेकेंड कलर के लिए इस पर हुक लगाएंगे और मैं यहाँ ग्रीन कलर लगाने वाली हूँ। इस तरह से ये हुक निकाल लेंगे इसके किनारे साइड पे, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, और इसे एक नोट से बाइंड कर देंगे। इस तरह से इस हॉल पे बाइंड कर दिए और करने के साथ इस तरह लेंगे, और लेने के बाद ये जो हमने लूप बनाया हॉल बनाया है उस हॉल पे इसे डालकर इसे थोड़ा सा खींचेंगे और इसे हमें इस तरह से स्लिप कर लेंगे सारे फंदे को। एक अगेन इस पे डालेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह के बाद इस पे 12। इस तरह से हमें 12 क्रोशिया बना लेना है। यहाँ आएंगे ये जो नोट है ना बीच में बल्ब का, इससे हमें इस तरह से निकाल कर ऐसे स्लिप कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर अगेन जो है नेक्स्ट बल्ब पे, इस हॉल पे जाएंगे, नेक्स्ट हॉल पे इसी तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे धागे को और इस तरह से सारे को एक बार में निकाल देंगे। अगेन इस तरह से हमने दो बनाया, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये लास्ट 12। इस तरह से ये दो तैयार हो गया। अब फिर नेक्स्ट इस बल्ब के सेंटर पे जाकर हमें ऐसे स्लिप कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे हमने दो बनाया, इस तरह से हमें पूरी रो बना लेनी है। मैं पूरी रो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे यह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ टिप पे कैसे बनाने हैं, तो यहाँ के लिए 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और इस टिप पे आएंगे। इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से इसके अंदर से 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब अगेन जो है सेम प्रोसेस जो हमने ये बनाया है उसी तरह इस पे बनाएंगे, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व टाइम हमने अगेन बनाया इसी तरह जैसा इसमें बनाया है। अब फिर नेक्स्ट हुक पे स्लिप करेंगे और फिर इसी तरह से इसे हम नेक्स्ट पे बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। यहाँ देखेंगे ये दोनों तरफ हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से एस सेप्ट का डिज़ाइन लगेगा। देखिए अब यहाँ आएंगे इस टिप पर, टिप पर सेम प्रोसेस दोहराने जैसा हमने पहले बनाया था, यानी कि यहाँ भी हमें यहाँ आने हैं। यहाँ आने के लिए वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे और इस टिप पे आएंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम और एक अंदर करते हुए इस तरह से स्लिप कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से यह रिबन पट्टी हमारा तैयार है। अब इस पर हम थोड़ा सा अलग से और डेकोरेट करना चाहेंगे। ये देखिए हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा किनारे तरफ बॉर्डर देना चाहती हूँ उसके लिए। अब इस पर मैं क्रीम कलर लगाने वाली हूँ। क्रीम कलर जहाँ इंड किया था वहीं से उसके कॉर्नर से इस तरह से स्टार्ट कर लेने हैं। इस पर एक नोट लगाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे बाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर प्रत्येक नोट पे यहाँ देखेंगे ये जो लास्ट है ना, यह जो हुक है इस हुक पे लेंगे और थोड़े से लूज रखते हुए हमें प्रत्येक हुक से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। इस तरह से प्रत्येक हुक पे हम बना लेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे इसको। नेक्स्ट इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ बल्ब के पास, बल्ब के अंदर लेते हुए निकालेंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ देखेंगे ये स्लिप स्टिच हो गया। अब इस पर हम चाहेंगे तो अलग धागा का भी इस्तेमाल, अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमें इसमें यही रखना है तो इसी को बना सकते हैं। यदि एक कलर रखना है तो एक कलर रखेंगे और नहीं तो इस पर हम सेकंड कलर भी लगा सकते हैं। सेकंड कलर कैसे लगाएंगे उसे मैं बता दूं। ये देखिए ये जो है इसी नोट पे हमें एक ऑरेंज का नोट बनाना है और इसे इस तरह से स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के साथ इस धागे को हमें साथ साथ लेके चलना है। ये क्रीम वाले धागे को भी इस तरह से साथ लेके चलेंगे और इसी के ऊपर से अब हमें बनाना है। ये देखिए ये नोट है, सॉरी ये हुक है, इस हुक से निकालेंगे और इसे बनाएंगे। यह हमारा इस तरह से साथ साथ चलेगा ताकि हमें जब क्रीम से बनाने होंगे तो आराम से धागा सही जगह पे मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया प्रत्येक इस पर बना लेंगे।
इस तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे आप सुविधा के अनुसार ऊपर में भी रख सकते हैं और रखते हुए इस तरह से लास्ट हुक तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे बल्ब आ गया है, इस बल्ब के पास हमें स्लिप करना है। इस तरह से उठाएंगे और धागे को स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे इस धागे को छोड़ देंगे और यह क्रीम वाला धागा जो है उसे ले लेंगे और फिर इस पे इसे लगाएंगे और इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और क्रीम से प्रत्येक हुक पर सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस पे दो बनाया। इसी तरह अल्टरनेट करते हुए हमें पूरे रो बना लेने हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये यह कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस तरह से हमें अब जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई के इसे बना लेने हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।